गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षक किरोड़ी सिंह बैंसला भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उनके बेटे विजय बैंसला ने भी पिता के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में बैंसला भाजपा में शामिल हो गए। बैंसला ने गुर्जरों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया है और इसी दौरान बैंसला ने कहा कि वे गुर्जर आरक्षण आंदोलन से पिछले 14 साल से जुड़े हुए हैं और इसी दौरान उन्होंने दोनों दलों के मुख्यमंत्रियों को नजदीक से अनुभव किया और दोनों दलों की कार्यशैली विचारधारा को भी देखा है। उन्होंने कहा कि वो भाजपा में इसलिए शामिल हुए क्योंकि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हुए, जो कि साधारण से साधारण आदमी का सुख दुख समझ सकते हैं। और बैंसला ने कहा कि उन्हें पद का लालच नहीं बल्कि वो चाहते हैं कि न्याय से वंचित लोगों को उनका हक मिल सके। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और उनके पुत्र विजय बैंसला आज बीजेपी ज्वाइन करने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत खुशी है। पिछले एक सप्ताह से इस पर चर्चा हुई हमारी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, वहां के प्रदेश अध्यक्ष सांसद सैनी जी और सभी प्रमुख पदाधिकारियों से चर्चा कर सबने बहुत सहर्ष इनका स्वागत करने का फैसला किया है। कर्नल किलोड़ी सिंह गुज्जर आंदोलन के नेता है और पूरे समाज में लड़कियों की शिक्षा को सालों से प्रमोट करते आ रहे हैं और उसका नतीजा भी बहुत अच्छा है।